नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या, ये तीनों ही नाम ना तीन जगह बहुत ज्यादा कॉमन है। नंबर वन न्यूज चैनल्स, टू पॉलिटिकल रैलीज एंड थ्री क्रिमिनल्स की वांटेड लिस्ट। और आपको पता है इन तीनों ही नाम में ना एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, वो कॉमन चीज ये है कि ये तीनों ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने देश में घोटाला किया और लंदन यूके फरार हो गए। इतने साल हो गए लेकिन आज भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो इन फ्रॉडस्टर्स को ब्रिटेन से यहाँ लाने में कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन तीनों लोगों के अलावा भी जितने भी फ्यूजिटिव्स हैं, चाहे हमारे देश के हो या फिर किसी और देश के हो, उनका फाइनल डेस्टिनेशन ब्रिटेन ही होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इतने सारे पैसे लेने के बाद, इतने जगहों से भागने के बाद वो ब्रिटेन में जाके क्यों सेटल होते हैं, वहां पे उनको ऐसा क्या फायदा हो जाता है। इस सवाल का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अब ये जानने से पहले कि इन फ्रॉडस्टर्स ने लंदन ब्रिटेन में ही पनाह क्यों लिया, हम जरा ये जानते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा किया ही क्या था जिनके कारण इनको देश छोड़ने की जरूरत ही पड़ी पहले प्लेस पे। बात करते हैं ललित मोदी की। द मोमेंट आई से द वर्ड IPL तो दिमाग में सबसे पहले ललित मोदी जी आते हैं। द रीजन मीन कि ये जो पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये ब्रेन चाइल्ड है ललित मोदी का। वो साल 2010 तक IPL के चेयरमैन, फाउंडर और साथ में कमिश्नर थे, लेकिन 2010 के बाद कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद उन्हें IPL तो छोड़ो, उनको देश छोड़ के जाना पड़ गया। IPL के लिए जब मीडिया राइट्स की बात आई तब मल्टी स्क्रीन मीडिया लिमिटेड या फिर आज के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने BCCI को अप्रोच करा। इस पर BCCI ने उन्हें यह कह दिया कि मीडिया राइट्स ऑलरेडी एक एशियन बेस्ड मीडिया कंपनी WSG विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप उनके पास है, और अगर उन्हें ये राइट्स चाहिए तो उनको WSG को 425 करोड़ देने होंगे, तब जाकर वो अपने राइट्स गिव अप करेंगे। अब क्योंकि MSM को IPL के मीडिया राइट्स चाहिए थे, दे एग्रीड टू दिस डील एंड उन्होंने 125 करोड़ रुपए पे कर दिए जो कि ट्रांसफर हुआ था मॉरिशस के अकाउंट में। लेकिन बाद में जाकर ये पता चलता है कि WSG और BCCI के बीच ऐसी कोई एग्रीमेंट हुई ही नहीं थी, और इन सब के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ था, मिस्टर ललित मोदी। 125 करोड़ रुपए जाते हैं उनके अकाउंट में, और प्लीज होल्ड ऑन, ये बस एक ऐसा घोटाला है जो कि उन्होंने किया, क्योंकि इसके अलावा ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे घोटाले हैं IPL के अराउंड जो कि उन्होंने करा। लेकिन अप्रैल 2010 में इन सारे फिशी इंसिडेंट्स के बाद उनको अपने पोजीशन से हटना पड़ा एंड BCCI ने उनको वहां से सस्पेंड कर दिया। ही वॉज फाउंड गिल्टी बाय द BCCI's डिसिप्लिनरी कमिटी अंडर 8 counts। उनके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इनडिसिप्लिन और BCCI के इंटरेस्ट को हार्म करने वाले एक्शन की वजह से उन्हें देश भर में लॉ इन्फोर्समेंट ढूंढते रह गई। लेकिन ललित मोदी अपने सेफ हेवन UK में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। इन फ्रॉडस्टर्स की कहानी सुनकर आपको सरप्राइजिंग तो डेफिनेटली लगा होगा, बट उतना ज्यादा भी नहीं लगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे तो पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाती है इनके बारे में। बट सोचने वाली बात यह है कि फ्रॉड्स तो ठीक है, बट साथ में अगर फाइनेंस के बारे में कोई हमें अच्छे से बता दे कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है, तो हमारी लाइफ थोड़ी इजी नहीं हो जाएगी। सोचो अगर बच्चों को पहले से फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाए स्कूल टाइम पे, तो उनके लिए सारी चीजें समझना कितना आसान हो जाएगा एंड उसके साथ साथ वो अपने फाइनेंसिस को कितने इजिली मैनेज कर पाएंगे। बट डोंट वरी गाइस, बिकॉज ZooPay इज ऑलरेडी on a mission to take your child's financial literacy to some another level. ZooPay India का पहला teen investing app है जो कि specially 13 to 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। अब आप बोलोगे यार कि teenager बिना knowledge के investment कैसे करेंगे? Well, इसका solution है Zoo Academy. Zoo Academy ZooPay का एक learning division है जहाँ पे fun stories और live sessions के through फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और मस्त चीज ये है ना कि अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको रियल पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, क्यों भाई पैसे इन्वेस्ट करेगा वो, क्यों रिस्क लेगा, तो डोंट वरी क्योंकि वहाँ पे वो एक स्टॉक वॉर खेल सकता है वर्चुअल पैसों को इन्वेस्ट करके, एंड वो सीख सकता है कि अगर वो पैसे डूब रहे हैं तो कैसे उसको वो बेटर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि जब बड़ा होकर उसको एक्चुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा तो उसको पहले से ये सारी चीजें पता होंगी क्योंकि उसने ऑलरेडी वर्चुअल मनी से इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। देखो मैंने तो अपने छोटे भाई बहन, भतीजे, भांजे सबको ZooPay पे साइन अप करवा दिया है, वो मस्त सीख रहे फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर तुम्हें भी अपने आसपास के टीनेजर्स को उसका एक्सेस देना है तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड साइन अप ऑन ZooPay राइट नाउ। गाइज ललित मोदी की तरह एक और ही बहुत ज्यादा इनफेमस इंसान है विजय माल्या, जिनके रिच लाइफस्टाइल के कारण उनको टाइटल दिया गया है द किंग ऑफ गुड टाइम्स का। 9000 करोड़ का घोटाला करके विजय माल्या आज लंदन में बैठे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए विजय माल्या ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत सारा ऐसा पैसा लोन लिया। एक पॉइंट ऐसा आ गया जब पैसा रीपे करने के कंडीशन को तो छोड़ दीजिए, जो एयरलाइंस में फ्यूल भरना था ना उसके भी पैसे उनके पास नहीं थे। किंगफिशर एयरलाइंस के जो एम्प्लॉइज थे उनको सैलरी नाम की कुछ चीज मिल ही नहीं रही थी, एंड ये सिचुएशन इतना खराब हो गया कि विजय माल्या को अपना लाइसेंस खोना पड़ा। किंगफिशर ने 2012 में अपने सारे ऑपरेशन सीज कर दिए। 2013 में SBI लेड इंडियन बैंक्स ने यूनाइटेड ब्रूरीज होल्डिंग्स लिमिटेड को अप्रोच किया जो कि किंगफिशर एयरलाइंस के लोन्स के लिए गारंटर थे। RBI तक ने उनको डिफॉल्टर घोषित किया है, बट डेट रीपे करने की कोशिश विजय माल्या ने कभी नहीं करी। 2016 में माल्या ने इंडिया छोड़कर ब्रिटेन जाने का तय किया, और अगले ही साल फरवरी 2017 में इंडिया ने ब्रिटेन को माल्या के एक्सट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट करी। तब से लेकर आज तक माल्या इस लीगल बैटल को चकमा देते
जा रहे हैं. एंड एज वी ऑल नो दैट द किंग ऑफ गुड टाइम इज एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट टाइम इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन ब्रिटेन, कीपिंग हिमसेल्फ अवे फ्रॉम 17 बैंक्स टू हुम ही ओज रुपीज 9000 करोड़. लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा स्कैम 17 नहीं बल्कि सिर्फ एक लोकल बैंक को लेकर हुआ है. द अमाउंट वॉज 11,400 करोड़ रुपीज एंड द बैंक वॉज पंजाब नेशनल बैंक मुंबई. 7 साल में नीरव मोदी को 8 LOUs देके ना पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली. बट ये LOUs होते क्या है? ऐसा मान लीजिए कि मुझे किसी फॉरेन बैंक से कुछ अमाउंट लोन लेना है, तो उस लोन को एक्सेस करने के लिए मुझे किसी लोकल बैंक से LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा, जिसमें कि वो ये लिखेंगे कि अगर मैं किसी भी रीजन से उस फॉरेन बैंक को लोन रीपे करने में असक्षम होता हूं, तो ये जो लोकल बैंक है वो मुझे हेल्प करेगी उनको लोन वापस पे करने में. लेकिन इसके लिए भी ना एक मार्जिन अमाउंट पे करना होता है. बट अब ये मार्जिन अमाउंट भी उनके पास आया कहां से होगा? वेल, देयर एग्जिस्ट्स अ नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी किसी एक बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट होना ताकि वो फॉरेन करेंसी को होल्ड कर पाए. LOU ग्रांट के बाद फॉरेन बैंक इसी नॉस्ट्रो अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट करती है. जब फॉरेन बैंक का डेट रिपे नहीं होता तो वो उस लोकल बैंक के पास जाती है जिसने LOU रेज किया था. और ठीक ऐसा ही हुआ था नीरव मोदी के केस में जब उन्होंने फॉरेन बैंक से उठाया लोन रिपे नहीं किया. फॉरेन बैंक्स PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ मुड़कर उनसे सवाल करने लगी. PNB को एक भी LOU की खबर नहीं थी जबकि नीरव मोदी ने 8 LOU रेज कर रखे थे. इट वॉज अ फ्रॉड. और जब CBI ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको ये पता चला कि PNB के ही 2 एम्प्लॉइज इस पूरे स्कैम में नीरव मोदी के साथ इन्वॉल्व. इन्होंने ही नीरव मोदी की कंपनीज को फेक LOUs बनाने में मदद करी थी, जिसमें कि प्रोसेस बिल्कुल ही फॉलो ही नहीं किया गया था. रैंडम चीजें हो रही थी, कुछ भी चल रहा था. वैसे याद है मैंने भी जस्ट बोला था कि LOU ग्रांट करने के लिए आपको एक मार्जिन अमाउंट पे करना होता है, तभी जाके आपको क्रेडिट लिमिट ग्रांट होती है. बट ये अमाउंट कहां से आया यार? वेल, नीरव मोदी के केस में PNB को कोई भी मार्जिन अमाउंट दिया ही नहीं गया था. CBI तक ये सारी बातें पहुंची 29 जनवरी 2018 को, लेकिन तब तक नीरव मोदी इंडिया में थे ही नहीं. वो तो 1 जनवरी 2018 को ही ब्रिटेन जाने के लिए रवाना हो चुके थे. ये तो बस 3 नाम थे, बट इन्हीं के जैसे फ्रॉड्स, एम्बेजलमेंट्स, मर्डर्स और टेररिज्म से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें आज भी हमारे देश का लीगल सिस्टम ब्रिटेन से एक्सट्राडाइट करने की कोशिश कर रहा है. टू बी प्रिसाइज, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 131 सच ऑफेंडर्स जिन्होंने हमारे देश में कोई क्राइम करा एंड बाहर फरार हो गए. एंड उसमें से मुश्किल से बस एक ऐसा ऑफेंडर है जिसको वापस लाया जा सका. इट इज शॉकिंग हाउ द ऑफेंडर ऑफ मर्डर समीर भाई विनू भाई पटेल इज द ओनली वन जिन्हें 2016 में वापस भारत लाया गया. बट आखिर ऐसा हो ही क्यों रहा है? हमारे देश का लॉ, हमारे देश का सिस्टम इन सारे क्रिमिनल्स को वहां से वापस इंडिया ला क्यों नहीं पाता? या फिर ये सिनेरियो सिर्फ इंडिया बेस्ड एक्सट्रैडिशन में ही ऐसा देखने को मिलता है? वेल गाइस, अगर एक्सट्रैडिशन की बात US और UK के केस में हम देखें ना, तो उनका ये जो रेट है वो इंडिया से भी काफी ज्यादा है. US और UK के बीच एक एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन हुई थी 2003 में. जनवरी 2004 से लेकर दिसंबर 2011 के बीच US ने करीब 130 एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट UK को भेजी, जिसमें से आज तक बस 10 इंडिविजुअल्स के एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट को ही रिफ्यूज किया गया है. 120 में से 77 इंडिविजुअल्स UK से US इजिली वापस ले आए गए थे. बाकी के 43 इंडिविजुअल्स में से कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि UK के सिस्टम में ही पेंडिंग है, एंड कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि इंडिविजुअल्स खुद वापस से US आ गए. तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो UK और इंडिया का एक्सट्रैडिशन रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि 1992 में साइन हुए एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के बावजूद 131 में से सिर्फ एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको UK से इंडिया एक्सट्रैडाइट किया गया है, एंड वो भी अभी कुछ रीसेंट सालों में. बट ये जो पूरा सिचुएशन है ना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन तो ये है ना कि अगर आपकी पॉकेट भरी हुई हो तो आपको आसानी से ब्रिटेन में रहने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, चाहे आपने 11,000 करोड़ का स्कैम किया हो या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करा हो. मतलब जब तक आप ब्रिटेन के सिस्टम में भर भर के पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तब तक आपको वहां जाने से, वहां के ऐसो आराम की जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता. आराम से जाओ, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी वहां पर. द हिंदू के न्यूज आर्टिकल के हिसाब से अगर कोई 10 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने वाला हो तो उन्हें ब्रिटेन की परमानेंट रेसिडेंसी 2 सालों में ही मिल जाएगी. अगर कोई 5 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने वाला हो तो उन्हें 3 साल लगेंगे परमानेंट सिटीजनशिप के लिए. और उससे भी कम 1 मिलियन पाउंड के इन्वेस्टर्स को 5 साल लगेंगे परमानेंट सिटीजनशिप मिलने के लिए. इसे कहते हैं द गोल्डन वीजा, जिसे 2008 से 2015 के बीच करीब 254 इंडियन मिलियनियर्स ने यूटिलाइज करा है वहां का सिटीजनशिप पाने के लिए. अब इनमें से कुछ बहुत जेन्युइन लोग भी होते हैं, बट साथ में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं. बट ऑब्वियसली नोटों के पर्दों के पीछे सारे लोग एज इन्वेस्टर्स ही देखे जाते हैं. दूसरा रीजन है इंडिया का कॉलोनाइजेशन फेज. हमें आजादी मिले अब 75 साल होने वाले हैं. 1800 से लेकर मिड 1900 तक हमारा देश ब्रिटिश राज के कंट्रोल में था, तो ये जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमारे देश पर हुआ ही होगा, चाहे वो कल्चरल हो या फिर सिस्टम में हो. अगर मैंने आपके सामने इंडियन लीगल सिस्टम और ब्रिटिश लीगल सिस्टम ला के रख दिया तो उनमें
डिफरेंस क्या है ये बताना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ब्रिटिश लीगल सिस्टम से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, इतना ज्यादा कि वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। और इसका फायदा फ्रॉडस्टर्स ऐसे उठाते हैं कि उनके जो लॉयर्स होते हैं वो इन केसेस को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं एंड उनके केसेस को काफी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं ताकि उन्हें इंडिया वापस आना ही ना पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी दुनिया में ब्रिटेन को एज अ सेफ हेवन यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है वहां का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स कमीशन। जब भी कोई एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की जाती है तो एक्सट्रेडिशन तक पहुंचने के लिए यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फैसले से गुजरना पड़ता है। दे आर द वंस टू सर्टिफाई द रिक्वेस्ट और उनके सर्टिफाई करने पर वारंट इशू किया जाता है एंड उस इंडिविजुअल को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। दो तरह के हियरिंग्स होते हैं, प्रिलिमिनरी और एक्सट्रेडिशन हियरिंग। पहले वाले में अगर एक्सट्रेडिशन के फेवर में वर्डिक्ट दिया गया तो आगे जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर डिसीजन रुक जाता है। फिर एक्सट्रेडिशन हियरिंग के दौरान यूके के कोर्ट में यह जज किया जाता है कि फाइनली उस इंडिविजुअल को एक्चुअली में एक्सट्रोडाइट करना है भी या नहीं। अब इस राउंड में सारे कंडीशंस को कंसीडर किया जाता है, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट की जेन्युइनिटी को फिर से एनालाइज किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखा जाता है कि एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट उस इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स को किसी भी तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और अगर वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो वो रिक्वेस्ट वहीं पर रिफ्यूज कर दी जाती है। जैसे कि अगर ये चांसेस हो कि इंडिविजुअल के इंडिया वापस आने पर उसको डेथ पेनल्टी मिल जाए या फिर उसको पॉलिटिकल रीजंस के लिए यूज किया जाए या फिर उसको टॉर्चर किया जाए तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है वो वहीं पे खारिज हो जाएगा। नीरव मोदी का एग्जांपल लेते हैं। उनके लॉयर ने कोर्ट में ये स्टेट किया कि नीरव मोदी को इंडिया में एक्सट्रोडाइट करने के पीछे पॉलिटिकल रीजंस है। रैलीज में उनके खिलाफ पब्लिक हेटेड डिस्प्ले किया जा रहा है जिससे उनके क्लाइंट यानी नीरव मोदी की लाइफ खतरे में हो सकती है। विजय माल्या ने कोर्ट में ये स्टेट किया कि मुंबई के अर्थर रोड जेल में नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर भी नहीं आता। इन सबसे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूल्स को इंडिया के ये फ्रॉडस्टर्स अपने फेवर में बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं जिससे कि वो इंडिया आने से वापस बच सके, या फिर एक्चुअली में उनके इतने सारे पैसे होने के कारण उनको इस पूरे सिस्टम का फायदा उठाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस दी जा रही है। वेल, इसका आंसर तो यूके की एक्सट्रेडिशन पॉलिसीज और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बीच छुपा है। अब मीनवाइल इंडिया क्या कर सकता है अपने एक्सट्रूडिशन रेट को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये जो फ्रॉडस्टर्स जेल के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं उनके इस पॉइंट को बिल्कुल जड़ से उखाड़ते हुए उनको हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। अगर किसी भागे हुए मर्डरर को एक्सट्रोडाइट करना हो तो इंटरनेशनली ये देखना होगा कि उनके इंक्वायरी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में ह्यूमन राइट्स को नजरअंदाज ना किया जाए। इंडिया यूएन के यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी साइन कर सकता है, क्योंकि 1984 में लाया गया ये इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनली दुनिया को ये बताने में मदद करेगा कि इंडिया कस्टोडियल ब्रुटैलिटी या टॉर्चर से काफी दूर है। दिस प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। अब इस 131 के लिस्ट में बाकी क्रिमिनल्स वापस इंडिया कब एक्सट्रोडाइट होंगे, इसका आंसर तो पता नहीं कब दिया जा सकता है, बट आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं एज अ कंट्री जिससे कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके, ताकि और जितने भी क्रिमिनल्स हैं जब भी वो इंडिया से बाहर भागे तो उनको हम इंडिया वापस ला सके और उनके विक्टिम्स को इंसाफ दे सके। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने में शायद काफी वक्त लगेगा, बट अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रांग बनाने में वक्त बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आफ्टर ऑल, इन फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स के चक्कर में पता नहीं कितने सारे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, बट इससे बचने का एक तरीका है अगर बच्चों को अर्ली एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाए, और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि मैंने पहले बताया इस ज़ूपे। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, साइन अप एट ज़ूपे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, यू आर गोना थैंक मी लेटर। रिगार्डिंग दिस वीडियो, इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक योर ब्रेन बिगर।